ताजमहल, इसके बारे में तो हर कोई बहुत अच्छे से जानता है और हर किसी का प्लान होता है कि ताजमहल विजिट करे और वहाँ की सुंदर सुंदर मेमोरीज को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ले। तो अगर आप इन पांच बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको ताजमहल ऑलमोस्ट खाली मिलने वाला है और आप बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अपने वेडिंग सूट्स कर सकते हैं। बस अभी जाला हो गया, आई होप अच्छे से ताजमहल दिख जाए। वैसे भीड़ तो कुछ हो नहीं रही है, ऐसा लग रहा है हम ही निकले हैं। बस चलो देखते हैं अंदर। मुझे लग रहा है कुछ कुछ लोग ना वो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक चलती है व्हीकल उसमें चले गए हैं। तो गाइस एंट्री तो हो गई है और एंट्री में आईडी वगैरह भी देखते हैं, तो आईडी वगैरह कैरी करके आना जरूर। तो फिलहाल अभी लाइन तो इतनी लंबी है नहीं, अच्छा है प्रॉफिट कर लेंगे एंट्री तो ज़्यादा सही रहेगा। तो भाई लोग सिक्योरिटी चेक हो गया है और सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है यहाँ पे, और अभी हम जा रहे हैं अंदर की और यहाँ पे आपको फोटोज़ वगैरह दिख जाएंगी जैसे आप एंट्री करोगे साथ में। ये देखो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपना दिन बहुत सोच समझ के चुनना है। मेरे केस में मेरा ट्रैवल प्लान वीकेंड में पड़ रहा था, लेकिन आप जब प्लान कर रहे हो ताजमहल का तो किसी वीकेंड या पब्लिक हॉलीडे में प्लान ना करें, बल्कि एक किसी वीकडे में प्लान करें। भाई लोग देख लो इस तरह से क्यों लगी हुई है लंबे बीच में फोटो खींचने के लिए। तो गाइस एंट्री पॉइंट के साथ से फर्स्ट व्यू पॉइंट जो होता है वहाँ पे इतनी भीड़ है फोटोग्राफी के लिए, मतलब हम आधे घंटे से लगे तब जाके लाइन में नंबर आया, अभी बहुत सारी फोटोज खींच ली है इंस्टाग्राम में अगर आपको देखना है तो। दूसरा और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है और वहाँ लोग लंबी लंबी क्यू में खड़े रहते हैं टिकट लेने के लिए, तो आप हमेशा जब भी प्लान कर रहे हो तो अपने टिकट ऑनलाइन बुक कर ले एक दिन पहले। उसके लिए आपको साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सिंपल यूआई है और बहुत इजी प्रोसेस है, आप आसानी से ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं। बाकी के पॉइंट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप लोगों को ये पॉइंट्स कैसे लगे और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। भाई लोग यहाँ हर जगह हर एंगल में इतनी भीड़ लगी है ना फोटो खिंचाने के लिए, देखो यहाँ पे जो मेन सिमेट्री वाला एंगल है यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और अभी हम लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं तो इतना सुबह आने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्या बताऊँ। मतलब आना है तो आपको बिल्कुल सुबह 6 बजे आ जाओ एग्जैक्टली, तो अभी कुछ बन सकते हैं। अच्छा कि हम सुबह जल्दी आ गए, अगर दिन में आते तो पता नहीं क्या हाल होते सही में, फिर भी थोड़ा बहुत खाली मिल रहा है। अभी हम दूसरे गेट की तरफ जा रहे हैं, इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं भी वहाँ से फोटोग्राफी के लिए जो इंस्टाग्राम में काफ़ी शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं वो मिल जाए, तो इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आईडी पॉपअप हो रही होगी, जाके देख लेना, अमेजिंग फोटोज डालने वाला हूँ इस बार। तो भाई लोग ये देख लो खतरनाक, पता नहीं वाइड एंगल में फिट आ रहा नहीं आ रहा है, लेकिन ज़बरदस्त लग रहा है। अभी ऊपर आ गए हैं प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे, शानदार है यार, एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त। ये देखो मम्मी भी व्लॉगिंग कर रही है मेरी। ये दूसरा वाला गेट है भाई लोग, ये वाला स्पॉट जो मिला है ना गेट नंबर 3 से लेफ्ट राइट हैंड साइड का हो गए तो पूरा खाली है, तो आना चाहो फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट लग रहा है। एक यहाँ से एक और स्पॉट है जहाँ से अंदर से फोटो खींचते हैं इंस्टाग्राम में ज़्यादा आती है, वो वाला भी हम यहाँ से पोस्ट देंगे। तो भाई लोग ये देखो यमुना नदी के भी दर्शन कर लो, पूरा फॉग लगा हुआ है, ज़बरदस्त ठंड है एकदम। जो तीसरा पॉइंट है, आप जब भी ताजमहल विजिट करें हमेशा अर्ली मॉर्निंग का प्लान करें, क्योंकि एक तो अर्ली मॉर्निंग में ताजमहल लगता बहुत सुंदर है और दूसरा लोग भी कंपैरेटिवली कम आते हैं, और जो ताजमहल सुबह खुलने का टाइमिंग रहता है वो हमेशा सनराइज से कुछ 15-20 मिनट पहले खुल जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। वो शायद आपको भी पता होगा, जैसे ही आप ताजमहल में एंट्री करते हैं तो बहुत सारी भीड़ वहीं पे फोटो क्लिक करने के लिए रुकी होती है, तो वहाँ पे आप रेंडम फोटोज खींचने में टाइम वेस्ट ना करके आप सीधे अंदर चले जाइए और जो अपर प्लेटफॉर्म है वहाँ जाके अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पांचवा पॉइंट है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आप ये देखिए कि तीनों गेट्स में सबसे कम रश किस गेट में है, आप वहाँ जाके अपनी फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई लोग ताजमहल तो पूरा घूम लिया, अभी यहाँ से वापस चलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई, थक गए हैं सुबह से, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर निकलेंगे। मतलब आगे मतलब टोटली वर्थ हो गया आना, तेरे को ताजमहल दिख भी रहा है। बाय बाय, यहीं से लाइन लगी हुई है देख लो भाई ताजमहल के लिए, टाइम से आ जाना सुबह अगर सही से फोटोग्राफी करनी है तो।
आई होप आप लोगों को ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ में ऐसे क्विक इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मम्मी कैसा लगा ताजमहल में? मुझे बहुत अच्छा लगा ताजमहल, बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, ताजमहल के बिल्कुल पास में एक कैफे का नाम क्या है, 25 आवर्स हैंगआउट कैफे करके है। एक घंटा एक्स्ट्रा दे रखा है ना, 24 के बाद 25 कर रखा है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुके हैं, थोड़ा आलू के पराठे खाते हैं और चाय वाय पी के फिर यहाँ से निकलेंगे सीधे। सो गाइस, हम निकल चुके हैं वहाँ से, चेकआउट कर लिया था वहाँ से सीधे वृंदावन की ओर को। ये आकाश जी हमारे अलीगढ़ से आए हैं यहाँ पे बांके बिहारी को यात्रा कराने के लिए। राधे 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 हमारे।